हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली आंकलन कार्यपत्रक नंबर 7 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 20 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। पिछले कार्यपत्रक में हमने रक्त और हमारा शरीर पाठ के अंशों को पढ़ा। अब हम उन कार्यपत्रकों के आधार पर अपना आकलन करेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प के सन्मुख पेंसिल पर गोलों से भरिए और प्रत्येक प्रश्न का अंक क्या है 1 है। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है केशव जो चैप्टर हमने रीड किया था ना, वही से रिलेटेड क्या दिया गया है, एक पैराग्राफ दिया गया है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आइए करते हैं आकलन कार्यपत्रक नंबर 7। देखो क्या कहा गया है यहाँ पर। दोनों चिड़िया बार बार कॉर्निस पर आती थी, बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, अब हम सिर्फ रीडिंग करेंगे। केशव ने सोचा कि हम लोगों के डर से नहीं बैठती। देखो क्या कहा जा रहा है कि केशव ने क्या सोचा कि हम जो चिड़िया है वो हम लोगों के डर से यहाँ नहीं बैठती है। स्टूल उठाकर कमरे में रख दिया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहोगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते? श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह देती हूँ। इतने में कोठारी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? केशव घबरा कर उठा और दौड़ा और बाहर आया तो क्या देखता है कि 3 अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उसमें से कोई चूने जैसी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, सहमी आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में, देखती नहीं, अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बनने वाले थे। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और माँ गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा? अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया, उसी से शायद अंडों को इस तरह रख दिया, तभी वह नीचे गिर पड़े। तो वो श्यामा के लिए कह रहे कि शायद उसके लिए, केशव के लिए कह रहे कि शायद इसने रख दिया होगा इसलिए गिर पड़े, इसकी उसे सजा मिलनी ही चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। तो ये देखो चैप्टर का पूरा एक सार सा दिया गया है। वो चिड़िया के अंडों के बच्चे के जब फूट जाते हैं वो तो उनकी रखवाली करना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो अंडे फूट जाते हैं ना केशव और श्यामा से, तो उनको बहुत अफसोस होता है। उसी से रिलेटेड पूरे चैप्टर का सार सा दिया गया है। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1, कॉर्निस पर बार बार कौन आती थी? कॉर्निस पर चिड़िया आती थी। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, केशव स्टूल कहाँ रखाया? दूसरे कमरे में रखाया। सही यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 3, केशव की बहन का क्या नाम था? श्यामा। दे यहाँ पर सही हो जाएगा। देखो सब हम पढ़ चुके हैं ना पहले, तो बस अब हमें टिक टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4, केशव के घर में चिड़िया के कितने अंडे थे? चिड़िया ने कितने अंडे दिए थे? 3 अंडे दिए थे। तो बे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। केशव ने श्यामा से करुण स्वर में क्या कहा? केशव ने क्या कहा था कि अंडे टूटे पड़े हैं। तो क्या हो जाएगा, अंडे टूटे पड़े हैं। ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको टिक लगाकर क्या करना है, सर्कल जो गोले दिए हैं उन्हें भरना है। अब हम देखते हैं आगे के क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 6 में, देखो क्या कहा गया है, अम्मा को गुस्सा क्यों आया था? टूटे हुए अंडों को देखकर क्या हुआ था, अम्मा को गुस्सा आया था। तो ए आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अंडा शब्द का बहुवचन रूप क्या है? अंडा का क्या हो जाएगा, अंडे। सही यहाँ पे क्या है, सही आंसर है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 8 में, बाहर शब्द का विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब होता है कि उल्टा शब्द, तो बाहर शब्द का विलोम शब्द है अंदर। तो सही यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बहन शब्द का पुलिंग रूप होगा। बहन का पुलिंग क्या होगा बताइए, बहन का भाई क्या हो जाएगा, पुलिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पानी शब्द का पर्यायवाची है। पानी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, जल। पानी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, जल होता है। तो जल क्या हो जाएगा, पानी का पर्यायवाची। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके, असेसमेंट वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।